कोई अचानक लिया हुआ निर्णय नहीं है। इसमें कुल मिलाकर के जैसा कि आप देख रहे हैं विगत एक सप्ताह से रिडाना में जो पर्यटक है या जो लोग बाड़मेर या अन्य शहरों से जा रहे हैं, गाँव से जा रहे हैं, उनकी संख्या में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। आप ये भी देख रहे होंगे कि वहां पर लोग ना तो मास्क लगा रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, और वहां पे कुछ कलाबाजी भी कर रहे हैं, एक दो गाड़ी भी उल्टी पलटी है, ये भी आपने देखा है। ऐसी स्थिति में कहीं ये पर्यटक स्थल कोई जानलेवा साबित नहीं हो जाए, इस स्थिति को मद्देनजर रखते हुए ये निर्णय किया गया है और SDM को ये हिदायत दी गई है कि सर्वप्रथम तो जो लोग है जो कोरोना की जो एडवाइजरी है उनको विशिष्ट रूप से पालन करें, लोगों को आवाजाही वो भी सीमित की जाए, मास्क लगाकर कहीं लोग प्रवेश करें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। अगर लोग एडवाइजरी की पालना करते हैं तो निश्चित रूप से इस प्राकृतिक जो सौंदर्य है, जो पर्यटक स्थल के रूप में धीरे धीरे जो विकसित हो रहा है, उसका आनंद ले सकते हैं। परंतु हमें कोरोना की जो एडवाइजरी है उसका विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। केवल कुछ जो ये जो गतिविधि है इसको सीमित किया गया है, बंद नहीं किया गया है, और लेकिन अगर लोग कोरोना की एडवाइजरी की अगर पालना नहीं करेंगे तो ये निकट भविष्य में अस्थायी रूप से बंद भी किया जा सकता है। मैं आपके माध्यम से लोगों से यही अपील करूंगा कि विशेष रूप से आप प्रकृति का आनंद जरूर लें, परंतु कोरोना की जो एडवाइजरी है उसका विशेष रूप से ध्यान रखें। आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क लगाएं, हो सके तो वहां पर जो हैंड सैनिटाइजर है उसका प्रयोग करें। इन मतलब चूंकि ये वर्तमान जो परिस्थितियां हैं वो थोड़ी अलग है, और आप ये भी जानते हैं कि कोरोना की वजह से बहुत सारे जो पर्यटन जो स्थल है वो भी बंद किए हुए हैं, तो निश्चित रूप से हम ऐसी कोई गैदरिंग नहीं करें जो कल हमारे लिए एक कोरोना की वजह से एक संक्रमण का खतरा पैदा हो जाए। सर, इस बात को लोगों को समझना है। कुछ जनप्रतिनिधि है वो भी मुख्यमंत्री को पत्र लिख चुके हैं कि पर्यटक स्थल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है, हम भी लिख रहे हैं, मैंने भी जो DD टूरिज्म है उनको डायरेक्शन दिए हैं इसकी पूरी एक रिपोर्ट बनाने के लिए, किस तरीके से इसको पर्यटन के रूप में, एक पर्यटक स्थल के रूप में इसको विकसित किया जा सकता है, बाड़मेर के अन्य पर्यटक जो स्थलों से कैसे इसको जोड़ा जा सकता है, उसके लिए हम पूरी कार्य योजना तैयार कर रहे हैं और निश्चित रूप से सरकार को प्रस्ताव भिजवाएंगे।